शेयर की बात नहीं कर रहे अभी हम, यहाँ पर बात करते हैं टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे है आपका 20 रुपीज़ में से क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सी एडमिट हो रहा है जिसमें से ये 1/5 शेयर लेगा टोटल प्रॉफिट में से। न्यू फर्म में टोटल प्रॉफिट में से इसका 1/5 शेयर होगा। तो देखो यहाँ पर हमने टोटल प्रॉफिट क्या लिया है, 20 रुपीज़ में 1/5 शेयर सी का कितना बना प्रॉफिट का, सीज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹20 × 1/5। कितना बना सी का प्रॉफिट न्यू फर्म में, 20 रुपीज़ है टोटल, टोटल में से 1/5 शेयर सी का है, तो इनका शेयर कितना बना प्रॉफिट का, ₹4। हमने ये वैल्यू में देखा है अभी, इससे पहले हमने रेशियो में देखा था, शेयर में देखा था, और समझाने के लिए उसको हमने यहाँ पर 20 रुपीज़ लेके चले हैं यहाँ पर हम। तो देखो यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा यहाँ पर ए एंड बी के लिए, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी इक्वल्स टू ₹20 − 4 = ₹16 बचा अब सिर्फ ए एंड बी के लिए, क्योंकि 4 रुपीज़ तो सी को देना है हमें प्रॉफिट का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा 16 रुपीज़ का। 16 रुपीज़ को आप क्या करेंगे, ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो यहाँ पर आप एज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹16 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें ए एंड बी में इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी इनकी, 3:2, तो आप इनटू कर सकते हैं यहाँ पर 3 से डिवाइड बाय 5, ये जो भी आएगा आपका पॉइंट में आएगा, कैलकुलेट करना आप। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे आप, बीज शेयर इन प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका 16 रुपीज़ × 2/5, ये भी आपका पॉइंट में आएगा, कैलकुलेट करना आप। बात करी थी हमने यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके इक्वल होगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो के। आइए कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में पढ़ा होगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइजिंग रेशियो, सैक्रिफाइस करने का मतलब है यहाँ पर त्यागना। ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट त्याग रहे हैं, किसको दे गए ये त्यागने के बाद, न्यू पार्टनर को। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए की ओल्ड रेशियो कितनी थी, ए की ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट करी थी हमने यहाँ पर, न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट करी थी अभी, क्या करी थी, क्या करी थी हमने न्यू रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट, 12:8:5, ये न्यू रेशियो थी आपकी, ये ओल्ड रेशियो है पार्टनर की। तो हमें क्या करना है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है जो 3:2 आएगी ए एंड बी की। कैसे आएगी देखो, ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 12/25, 8 + 8 + 5 = 25 इक्वल्स टू, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम है यहाँ पर आपका 25, क्योंकि 5 से कट जाएगा आपका 25, कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स, 5 × 3 = 15 माइनस 12, 1 से कट जाएगा 1 × 12 = 12, तो ये आ गया आपका 3/25। ये क्या कर रहा है, 3/25 सैक्रिफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट में से,
बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/5 ओल्ड रेशो थी, न्यू रेशो क्या है इनकी अब 8/25 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 25, 5 से कट रहा है 25, 5 टाइम्स 5 इंटू 2 10, 1 से कट रहा है 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 2/25। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, 3:2। जितनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी ओल्ड पार्टनर्स की, फर्स्ट केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपकी 3:2 होगी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में कुछ चेंजेस हो गए, थर्ड केस में यहाँ पे भी चेंजेस हो गए जो अभी हम पढ़ेंगे। इसमें चलते हैं आगे, केस वन की बात करी थी हमने यहाँ पर कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स से। ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर अक्वायर कर रहा है अपना शेयर प्रॉफिट का ओल्ड पार्टनर से इन अ पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो में ये क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं। प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था, हमारा ओल्ड रेशियो में अक्वायर कर रहे थे न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, जो प्रॉफिट लेगा ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में, जैसे सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के साथ, तो ये क्या कह रहे हैं, हम 1/10 शेयर ए से लेंगे, 1/10 शेयर बी पार्टनर से लेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर एक पार्टिकुलर रेशियो में 1/5 शेयर ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल इसका भी। इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगी आपके पार्टिकुलर रेशियो के इक्वल होगी। फर्स्ट केस में आपके ओल्ड रेशियो के इक्वल थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में पार्टिकुलर रेशियो जो भी होगी आपके, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। देखते हैं एक एग्जांपल। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फर्म, सी एडमिट हो रहे हैं फर्म में 1/5 शेयर के साथ, 1/5 शेयर ले गई है प्रॉफिट का। 1/5 शेयर में से क्या कह रहे हैं, विच ही टेक्स वन टेंथ शेयर फ्रॉम ए। 1/5 शेयर में से कह रहे हैं 1/10 शेयर ये ए से लेंगे एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। क्या कह रहे हैं, टू पार्टनर्स हैं यहाँ पर ए एंड बी, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 में। सी एडमिट हो रहा है फर्म में, 1/5 शेयर होगा जिसका प्रॉफिट का, 1/5 शेयर प्रॉफिट में से ये क्या कह रहे हैं, ए से ये 1/10 लेंगे एंड 1/10 शेयर ये बी से लेंगे।
ये क्या है यहाँ पर आपका पार्टिकुलर रेशियो में, ये क्या कर रहे हैं बी सी अक्वायर कर रहे हैं शेयर ए एंड बी से। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन,